अस्सलाम वालेकुम। आज हम काले जामुन की रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही टेस्टी है और सब बहुत पसंद से शौक से खाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना ये रेसिपी शेयर करें। तो इसके लिए मैंने तकरीबन देखिए 150 ग्राम मिल्क पाउडर है और दो चम्मच भर के मैदा है और एक चम्मच भर के रवा है, और ये थोड़ा पाव से भी कम है वो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर भी आप डाल सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, ये एक बाउल में इसमें डाल देंगे और इसे इसमें बताती हूँ क्या डालना है। और उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, चाशनी बनने के लिए रखेंगे। चाशनी पकने में टाइम लगता है, तो मैंने ये तकरीबन 200 ग्राम शक्कर लिया है और यही कप भर के 1.5 कप हम पानी डाल देंगे। और चाशनी हमें एकदम गाढ़ी नहीं बनाना है, एक तार की भी नहीं बनाना है, ओनली चिपचिपी शहद जैसी बनाना है। मैंने थोड़ा कम बनाया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चाशनी रखी हुई है। अब हम इसे पकने रख देते हैं, तब तक हम ये और भी सामान बता दूँ। अब मैंने चाशनी पकने रख दिया, देखिए पकने लग गई। इसमें हम 2 इलायची तोड़कर डाल देंगे, चाहे तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। हम 2 इलायची तोड़ के डाल देंगे और लेमन जूस डाल देंगे, आधा लेमन जूस डाल देंगे ताकि ये शक्कर जमे नहीं, क्रिस्टल ना बने। अब इसे पकने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो जामुन बनाएंगे उसके अंदर ये 1 से 2 चम्मच घी डाल देंगे, जैसे कि मैंने डाला है, और फिर इसे दूध से हम मिक्स करेंगे। मिक्स कैसे करें, सबसे पहले ये घी को सारी चीज़ों में मिला लें अच्छे से, अच्छी तरह से बाइंड कर, ताकि जो गुठलियाँ वगैरह हों वो निकल जाएं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, घी सब जगह मिक्स हो जाए। देखिए अब ये ऐसे मसल कर मिक्स करें। अब हम दूध से इसे गूंथते हैं, अगर आप चाहें तो पानी से भी गूंथ सकते हैं और दूध से भी गूंथ सकते हैं, जो भी बेटर लगे आपको। थोड़ा थोड़ा सा, एकदम ज़्यादा ना मिलाएं, थोड़ा थोड़ा सा मिलाकर इसे गूंथें। देखिए पहले ये क्या होगा, थोड़ा बहुत चिपचिपा होगा गूंथने के बाद। इसके बाद हम क्या करेंगे, रवा डाला है ना हमने, तो 10 मिनट ढाँक के रख देंगे। इसके बाद हम इसका और थोड़ा सी मसल के बताते हैं। अब 10 मिनट हमने ढाँक कर रखा, देखिए अच्छी तरह ये फूल गया है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन निकाल लेंगे, अंदर फिलिंग बनाना है हमें। तो इसमें देखिए मैंने ये काजू बादाम और अखरोट है, ये अखरोट मैंने साइड कर दिया, इतना मिला लेंगे और इसमें फूड कलर भी डालेंगे। ये ड्राई फ्रूट है और ये पीसी हुई शक्कर है, और ये हमने जो पोर्शन मिलाया था उसका वो है, और इसमें येलो फूड कलर थोड़ा डालते हैं। हमने ये येलो फूड कलर डाला है, अब इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे, डो बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने येलो कलर किया, आप ग्रीन कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं, मेरे पास येलो फूड कलर था इसलिए मैंने डाला, आप इसकी जगह केसर भी डाल सकते हैं। अब इसको ऐसा गूंथ के हमें ना छोटे छोटे से गोले बना के रख देंगे साइड में। इस तरह से हम गोले बना लेंगे, चाहिए तो आप एकदम छोटा छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि अंदर सिर्फ फिलिंग करना है, कुछ बड़े हो गए तो हम इसे छोटा करते हैं। तो अब देखिए, अब ये जो बचा है इसका हम छोटे छोटे से गोले निकालेंगे, और किस तरह से इसकी फिलिंग करना है वो एक आपको बता रही हूँ। इस तरह से इस पर ऐसा गोल गोल मसल लेंगे और ऐसा टिकिया बना लेंगे। फिर उसके बाद हम ये एक लेंगे और इसके बाद इसे इस तरह से अंदर फिल करेंगे। देखिए फिल करके इसे गोल गोल क्रैक फ्री रोल बना, गोल 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 बना, क्रैक फ्री रहे इस तरह से। देखिए कितना क्रैक फ्री बना है ना, इसी तरह सारे गोले बना लेंगे अंदर। फिर एक और बताती हूँ आपको किस तरह बनाएं।
देखिए ये काले जाम थोड़े बड़े होते हैं और फूल के और बड़े हो जाते हैं, इसीलिए हम थोड़ा बड़े बना रहे हैं। ये देखिए इसको इस तरह से फिल कर दें और इसे प्लेटफॉर्म पे, प्लेट पे, किसी पे भी ऐसा रोल करें धीरे धीरे, हाथ धीरे धीरे, और एकदम क्रैक फ्री, बिल्कुल क्रैक नहीं रहना चाहिए इसमें। देखिए एकदम क्रैक फ्री बॉल, बिल्कुल क्रैक नहीं है। इस तरह से सारे बॉल बना के आपको बताते हैं। अब देखिए हमारी चाशनी बन के तैयार है, सिर्फ हमें ज़रा सी चिपचिपा चाहिए, शहद जैसा चिपचिपा, तार नहीं बनना है, बनाना है हमें। तो अब चाशनी तकरीबन हो गई है, हम गैस बंद कर देंगे और इसके बाद आपको मिलते हैं फ्राई कर, कैसे करना है बता। देखिए हमने तेल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं, और इसे पहले एकदम ज़्यादा गर्म करेंगे, तेज़ गर्म करेंगे, उसके बाद आँच धीमी कर देंगे, धीमी आँच पे इसे वो करेंगे। तो पहले तेज़ गर्म हो जाए, उसके बाद हम धीमी आँच पे आपको बताते हैं। थोड़ा सा चेक करते हैं तेल गर्म हुआ कि नहीं, छोटा सा बॉल डालते हैं, बॉल एकदम ऊपर आ जाएगा, समझो तेल गर्म हो गया है। देखिए अब ऊपर आ गया है, अब तेल गर्म हो गया है, इसे हम निकाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह ऊपर आया है। इसके बाद हम गैस धीमी कर देंगे, स्लो कर देंगे, और स्लो आँच पे हम सारे बॉल्स डाल देंगे। अब हम इसे हिलाएंगे नहीं, सिर्फ ऐसा तेल को हिलाएंगे, तो धीरे 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 चारों तरफ से डार्क ब्राउन करना है हमें। किस तरीके का कलर करना है मैं आपको बताऊंगी, पहले इस तरह से धीरे धीरे हम इसे पलटेंगे, धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे करना है, क्योंकि अंदर से पकना चाहिए ये। देखिए कितने बड़े बड़े अच्छे फूल के हो रहे हैं, और इसे बार बार चलाते रहिए, एक तरफ नहीं तो एक तरफ ब्लैक हो जाएगा, एक तरफ लाइट कलर रहेगा, इसी तरह बार 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 चलाते रहिए, चम्मच को मत रुकाइए और करछी हिलाते रहिए ज़्यादा को। फिर देखिए इसी तरह अब हम, देखिए हमने धीमी आँच पे करा है, आँच मत तेज कीजिए, धीमी आँच पे बहुत अच्छे बनते हैं, डार्क ब्राउन हो जाएगा तो हम आपको बता रहे हैं। अभी 10 से 12 मिनट हमें पकाना पड़ता है, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। देखिए अभी एकदम डार्क ब्राउन हो गए हैं, थोड़ा और करेंगे, क्योंकि एकदम ब्लैक चाहिए हमें, काला जामुन है इसलिए थोड़ा सा और करेंगे। अब हमारे काले जामुन का परफेक्ट कलर आ गया है, बहुत अच्छी तरह से डार्क ब्राउन कलर का हो गया है, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी होता है। अब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमें। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं। अब प्लेट में हमने काले जाम को निकाल के रख दिया है, अब हम इसे क्या करेंगे, चाशनी में डाल देंगे, चाशनी हमारी गर्म है अभी, इसी में डाल देंगे और इसे ढक्कन से ढक देंगे। तकरीबन 4-5 घंटे से पहले इसे ना निकालें, खूब रस चूस के इसकी साइज एकदम डबल हो जाएगी, और चाहिए तो 12 घंटे रखें तो और ज़्यादा टेस्टी होगा। हम इसके बाद आपको मिलते हैं। अब हमारा काला जाम सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें, कमेंट डालना ना भूलें। शुक्रिया।